अस्सलाम वालेकुम, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे चैनल में। अंडे पर ये नक्श बनाकर पढ़ दीजिए ये तिलिस्मी दुआ। आपकी मोहब्बत आपकी कदमों में होगी, आपसे माफी मांगेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी तिलिस्मी दुआ जो अगर आपने सिर्फ एक बार पढ़ दी तो आपकी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह की गलतफहमी हो गई है, किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपकी मोहब्बत आपकी बाहों में होगी। तो इस नक्श को कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ, और इसे कैसे करना है ये भी बिल्कुल ध्यान से देखें। सबसे पहले एक अंडा लें और उस पर इस तरह से एक नक्श बना लें। नक्श बनाकर उसमें आपको लिखना है एक तरफ 13 नंबर, फिर लिखना है 21 नंबर और यहाँ पर लिखना है 9 नंबर, और इस जगह को खाली छोड़ना है। यहाँ पर आपको लिखना है अपनी मोहब्बत का नाम। अगर आपकी मोहब्बत का नाम ज्यादा बड़ा है और आपको लगता है कि इतनी जगह में नहीं आता है, तो आप सिर्फ उनके नाम का पहला अक्षर लिख दें। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। जैसे कि अगर किसी का नाम है हुमा, तो हुमा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अगर नाम ज्यादा बड़ा है तो आप सिर्फ उनका पहला अक्षर लिख दें। जैसे कि आप यहाँ पर म लिख सकते हैं या फिर स लिख सकते हैं, जो भी पहला अक्षर है वो आप यहाँ पर लिख दें। मैं यहाँ पर म लिख रही हूँ। अंडे पर अपनी मोहब्बत का नाम लिखने के बाद आपको उस अंडे को पानी के ग्लास में इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद आपको तस्वीर लेनी है और उसके बाद ये दुआ, जैसे कि मैंने आपको कहा था, तिलिस्मी दुआ आपको पढ़नी है। एक माला तस्वीर आपको ये दुआ पढ़नी है। दुआ बेहद आसान है। ये जो पूरा अमल है इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपकी मोहब्बत आपके पास हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाएगी। अगर आपकी मोहब्बत से आपका किसी तरह का कोई झगड़ा चल रहा है या कोई भी परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। अब दुआ ध्यान से सुन लीजिए। आपको बोलना है अल याकूब। अल याकूब आपको एक माला तस्वी की कर लेना है और उसके बाद अंडे को पानी के ग्लास के साथ ही उठा लेना है और लेकर जाना है किसी भी चौराहे पर। चौराहे पर जाकर आपको अंडे को रख देना है और पानी का ग्लास जो है उसे वहीं पर खाली कर देना है, यानी कि पूरे पानी को वहां पर डाल देना है और वापस अपने घर चले आना है। ग्लास को अपने साथ ला सकते हैं, घर में लाकर ग्लास को एक जगह रख देना है। उसके बाद वजू कर लेना है। आप देखेंगे अपनी आंखों से इसका चमत्कार। आपकी मोहब्बत खुद सामने से आपको कॉल करेगी। अगर आपकी मोहब्बत आपसे नाराज है, रूठी हुई है, तो भी वो आपके पास तुरंत ही दौड़ी चली आएगी। अगर आपके पास वक्त की कमी है या कोई और मुश्किलात है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए इस अमल को पूरा करेंगे और आप अपनी जो भी मुश्किलात हैं मौलाना जी को बता सकते हैं। मौलाना जी आपकी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। शब्बा खैर।